भारत बनाम बांग्लादेश के बीच शेरे बांग्ला स्टेडियम में दूसरा वनडे मुकाबला जारी है। आपको बता दें, इस वनडे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने सभी को चौंकाते हुए 69 रनों पर अपने 6 विकेट गंवाने के बाद 271 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। मेहदी हसन ने इस मुकाबले में फिर टीम इंडिया को चोट पहुंचाई, जहां उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ दिया। इस मुकाबले में जहां टीम इंडिया के गेंदबाजों ने धमाकेदार शुरुआत की, वहीं उन्होंने इस पारी का अंत बेहद खराब किया। भारतीय टीम की लगातार क्रिकेट जगत में आलोचनाएं की जा रही हैं, क्योंकि पहला वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे वनडे में भी शानदार शुरुआत के बाद भी टीम इंडिया इस मुकाबले में बांग्लादेश जैसी टीम को 150 के अंदर रोकने में नाकामयाब रही। अब भारत की इसी गलती के चलते पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया टीम इंडिया का मजाक उड़ाते दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, ये साल टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, जहां भारतीय टीम को लगातार निराशाओं का सामना करना पड़ा है। अब इसी चीज के बारे में बात करते हुए दानिश कनेरिया अपने YouTube चैनल पर कहते हैं कि भारतीय टीम के लिए साल 2022 अब तक कुछ खास नहीं रहा है। इस साल भारत का प्रदर्शन एशिया कप और वर्ल्ड कप में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अगले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ टीम पूरी फुस नजर आई है और संघर्ष करती दिखाई दी है। दानिश कनेरिया ने अपनी ये बातें मैच के दौरान कही, जब टीम इंडिया संघर्ष करती नजर आ रही थी। आपको बता दें, भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में काफ़ी सारी गलतियां की। जब टीम इंडिया को 69 रनों पर 6 विकेट मिल गई थी, उसके बाद भारत ने गेंदबाजी में ढिलाई दी। उसके बाद बांग्लादेश ने एक विकेट गंवाते हुए 202 रन बना लिए। पहले मुकाबले में भी मेहदी हसन ने टीम इंडिया से हारी हुई बाजी छीन ली थी, और दूसरे वनडे में भी मेहदी हसन ही वही बल्लेबाज रहे जिन्होंने शतक जड़ते हुए वनडे क्रिकेट में इतिहास भी रच दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा।